हेलो एंड वेलकम टू टायर एक्सपर्ट एडवाइस। आज मैं रिव्यू करूंगा 195/55 R16 सीएट सिक्योर ड्राइव 87V ट्यूबलेस टायर जो कि मेरे सामने है, और ये 3 साल के अंडर कंडीशनल वारंटी के साथ आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ट्रिपल लेयर के साथ आता है और ये सिक्योर ड्राइव जो है सबसे लेटेस्ट पैटर्न है। तो आज हम इस टायर को पूरी तरह रिव्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा है ये टायर, आपके लिए व्हीकल के लिए सही है या नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, ये देखिए, ये जो है सीएट सिक्योर ड्राइव आउटसाइड एंड इनसाइड पैटर्न पर आता है, यानी कि ये जो साइड है इसको आउटसाइड में ही फिट करना है। ये आप फिटिंग वाले को जब आप टायर फिट करवाएंगे तो आप उसको कहिएगा ये आउटसाइड इनसाइड पैटर्न के साथ आता है, तो उसको देख कर फिट करवाइएगा। तो ये दूसरे टायर के साथ जैसा नहीं आता है, जैसे आप कोई भी मल्टी एंगल में फिट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिक्योर ड्राइव दिया है, पैटर्न का नाम टायर के साथ आता है, और यहाँ पे जो है इनका ये दिया है टेम्परेचर ए, ट्रैक्शन बी, ये सब चीज़ें दी गई हैं। ये कंपनी का ट्रेडमार्क, यानी कि यहाँ पे फिर से दिया गया कि आउटसाइड पैटर्न, जो कि बहुत ही ज़रूरी है मेंशन करना। और ये यहाँ पे साइज़ दी गई है 195/55 R16 महिंद्रा, सॉरी मारुति सुजुकी बलिनो या फिर एस क्रॉस को जो है अब बेसिक वेरिएंट में आपको ये देखने मिल सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा चलने वाला टायर है। ये सिक्योर ड्राइव सबसे लेटेस्ट पैटर्न है जो कि ट्यूबलेस टायर है मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूँ। ये ISI मार्क के साथ आता है, ये मेड इन इंडिया टायर है, और सीएट का टायर, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टायर का सीरियल नंबर मेंशन है। देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ, ये सीरियल नंबर है। यहाँ पे टायर का DOT है, यानी कि 1PTNY65FN, ये टायर का DOT दिया होता है, हर टायर पे दिया होता है। और ये सिक्योर ड्राइव पैटर्न का नाम जो है ये हर टायर पे दिया ही होता है। अगर आप डिटेल में नहीं देख पा रहे तो मैं आपको थोड़ा जूम करके बता दूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योर ड्राइव पैटर्न का नाम इसमें दिया है। और ये जो है दूसरी साइड इसकी एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे टायर का अगेन पैटर्न का नाम और साइज़ वगैरह दिया हुआ था, और ये DOT भी दिया है। और ये देखिए, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आउटसाइड भी दिया होगा। देखिए, उस साइड आउटसाइड दिया था तो इस साइड इनसाइड है, तो ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखिए, आपको ये ट्रिपल लेयर के साथ आता है तो ये आपको मिनिमम एवरेज आपको 50,000 किलोमीटर तक देना ही चाहिए सर्विस, जिसमें आप टाइम टू टाइम अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, ये अगर आप एवरी 5,000 किलोमीटर्स करवाएं तो आपको जो है टायर का एवरेज और लाइफ ज़्यादा ही मिलेगा। प्लस मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसमें जो है नाइट्रोजन एयर फिल करवाएं, जिससे आपके टायर की लाइफ 10-25% तक इंक्रीज़ होगी, क्योंकि वो प्रेशर जो है कम या ज़्यादा नहीं होता है, जिसके कारण आपको टायर की लाइफ ज़्यादा मिलती है। और ये ट्रिपल लेयर होने की वजह से ये हिस्सा ही जो है वेयर आउट होता है, यहाँ तक वेयर आउट होता है, और साइड का पैटर्न वेयर आउट नहीं होता है। साइड का पैटर्न वेयर आउट इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो टर्निंग के लिए काम आता है, तो टर्निंग पे गाड़ी स्लिप ना हो, इसलिए ये जो साइड का पैटर्न है यहाँ का, ये आप लाइन देख सकते हैं, यहाँ का और ये इस साइड का, दोनों का जो है वो घिसता नहीं है। तो अगर आपको इसमें कभी टायर अगर कट जाए तो आप, और आपका पैटर्न अगर जो बिल्कुल अच्छा है, तो आप टायर रिप्लेस करके ले सकते हैं, या फिर अगर आप अगर कहीं इमरजेंसी में, यानी कि टायर का पंचर अगर ज़्यादा बड़ा बन गया एक जगह पे, तो आप इसमें ट्यूब डलवा के भी चला सकते हैं। तो जैसे कि 3 साल की वारंटी में आपको कट बस्ट एंड बल्ज, इन तीनों की वारंटी मिलेगी सीएट की तरफ से, जो कि अनकंडीशनल है। और मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जब टायर ख़रीदें तो टायर जो है आप पहले ऑनलाइन वारंटी रजिस्टर करवा लें अपना मोबाइल नंबर बता के, जिसमें आपको फ़ायदा होगा कि आप जो है ये टायर जो है आपका ऑनलाइन वारंटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको बिल संभालने की ज़रूरत नहीं, जो कि आपको 3 साल तक अनकंडीशनल वारंटी आप मोबाइल नंबर बताने पर भी क्लेम कर सकते हैं। ये जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कंपनी का डाया होता है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। और ये बड़ा टायर है, 16 इंच का टायर है, तो इसमें 16 इंच की ट्यूब भी फिट हो सकती है, अगर आपका जो व्हीकल वेरिएंट है जिसमें ट्यूब डलवा के ही चला सकते हैं, तो वो वैसे ही आप इसमें 16 इंच का ट्यूब डलवा सकते हैं। ये कंपनी का बारकोड है जिससे आपको पता चल सकता है कि ये टायर कौन से प्लांट में मैन्युफैक्चर हो चुका है। और ये इसमें सेफ्टी वार्निंग्स दी गई है, सेफ्टी वार्निंग्स के लिए ये है कि आप टायर कभी अंडर या ओवर प्रेशर ना रखें। अंडर प्रेशर माने 30 से बिलो, और ओवर प्रेशर माने 35 से एक्सीड, वो ओवर प्रेशर होता है। अंडर प्रेशर में टायर जो है दब के चलता है, यानी कि फिर उसका साइड वॉल जो होता है वो कट जाता है। ये जो साइड वॉल होता है, इसी अब मैं बता दूँ, ये जो साइड वॉल होता है ये कटना शुरू हो जाता है। और
इसलिए आप प्रॉपर में प्रेशर मेंटेन रखें 30 to 35 के बीच में, और चारों में रेगुलर आप जो है अलाइनमेंट बैलेंसिंग एवरी 5,000 किलोमीटर्स करवाएं। और ये जो टायर जो भी आप देख रहे हैं ये आपको मशीन पर ही फिट करवाना होगा, क्योंकि ये ट्यूबलेस टायर बहुत हार्ड आते हैं। ये यहाँ पे जो है ये इसका साइड वॉल जो है बहुत ही हार्ड होता है। ये देखिए ये जो इसका साइड वॉल है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो इसको आप जो है सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको बता दूँ, सिर्फ और सिर्फ इसको जो है मशीन पर ही फिट कीजिएगा और नाइट्रोजन एयर फिल करवाइए, ये तो मैं आपको बताइए, जिससे आपका टायर का लाइफ बढ़ेगा और आपको जो है चलाने में बिल्कुल स्मूथनेस और अच्छा फील होगा। ये ऑन रोड ऑफ रोड दोनों के लिए टायर है। वेड ग्रिप इसका सबसे बढ़िया है और ब्रेकिंग और कॉर्निंग में भी 1 नंबर 1 है। और इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको रिव्यू दिया था 185, 65, 15, वो सेम पैटर्न में 195, 55, 16 है। तो मैं अगली वीडियो में आपको इन दोनों का रिव्यू दूंगा, 185, 65, 15 और 195, 55, 16 के बारे में। तो टायर एक्सपर्ट एडवाइस के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मैं आपको और भी टायर्स के बारे में बताता रहूँगा, और चैनल साथ जुड़े रहिएगा। और ये वीडियो जो है आप और लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और कोई भी आपको वीडियो के बारे में कोई सवाल हो या फिर कोई नई वीडियो जो आप चाहते हो या कोई नया टायर के बारे में आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके सब सवालों को जवाब दूंगा। टायर एक्सपर्ट्स एडवाइस के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही।